प्रथम लागू दो चरान को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ए जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ए जीवन, मेरे जीव के ए जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान-कोट प्रणाम। चरण हक मासूक के उपली शोभा, प्रकरण 6, सिंगार ग्रंथ। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह कोई लागी रट, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट, तब खुल गए अंतर पट, गुण के ते कहूँ इन चरण के। धाम धनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजमान हुए और अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने अपने हुक्म से तारतम ज्ञान की ये रसधारा बहाई, मात्र रूहों को सुख देने के वास्ते। हाँ, वो सुख रूहें पाती जाएंगी और जो और सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, उनको भी बख्शीश में कुछ मिलता जाएगा। लेकिन ये तारतम ज्ञान की जो रसधारा धामधनी अक्षरातीत ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए बहाई है, उससे उनको अपने प्राण प्रीतम राज्य के दिल के अनंत भेद, अनंत रस का पान होगा। चरण कमल हमारी परंपरा में श्रद्धा और समर्पण का स्थान कहलाता है। अब हम इसी संसार में देखते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं, हमारे सद्गुरु होते हैं, हम उनके चरण कमल का स्पर्श भी करते हैं, हम उसे छूते हैं, हम सिजदा करते हैं, नमन करते हैं। तो चरण कमल एक ऐसा स्थान है जहां से हमें अपने सद्गुरु का, कृपा का रस प्राप्त होता है। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे प्यारे सुंदर साथ, हे मेरे संगी आत्माएं, इस संसार में एक मात्र लक्ष्य हम बनाते हैं कि हम अपने धनी के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी जुदा न हो। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन। ये चरणों से ही हमारी निस्बत है, जो अभी आगे के चौपाइयों में राजी ने बड़ा उसका सुंदर खुलासा किया है। तो कहते हैं, फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। और महामती जी की आत्मा सभी सुंदर साथ को कहती है कि आपके दिल को एक ही
रट लगी रहनी चाहिए कि राज्य के चरण कमल आपसे एक क्षण के लिए भी अलग न हो, आपके दिल में उसकी छवि अंकित हो जाए अपने अनंत गुणों के साथ। और ये ऐसा होते ही अंदर के सारे कुंठाओं की दरवाजे खुल जाएंगे। गुण केते कहूं इन चरण के, आवे ना माहे सुमार। ये चरण के गुण वस्तुतः राजी का दिल के अनंत सागरों का रस चरण कमल की लीकों में बसता है। चरण तली तली लाख एड़ी, और लाख में लीके हैं जो बहुत गहरी हैं, और हर लीक के अंदर राज्य का दिल बसता है। राज्य के दिल के अंदर अनंत रस के खजाने हैं, वो सब उन लीकों में बसता है। और जैसे रूहों का मूल मिलावा है राज्य का दिल, उसी तरीके से आत्माएं भी उन चरण कमलों की लीकों, उनका जीवन का आधार हो जाती है। तो ये गुण कितने हैं? तो अनंत हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन हां, आत्माओं को शुद्ध देने के वास्ते कुछ तो कहना पड़ेगा, ऐसा महामती जी फरमाती हैं। गुण गिने नहीं जा सकते, फिर भी कुछ तो बताना पड़ेगा रूहों को सुख देने के वास्ते। इसके लिए उन्होंने कहा कि दो मुख्यतः गुण जिसके अंदर अनंत गुणों का समावेश हो जाता है। राज्य का दिल ही नूर है, ये बात अभी तक सभी सुंदर साथ अच्छी तरह से समझते हैं। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर ता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। जो दिल के अंदर अनंत गुण है वो मुखारविंद पे प्रकट होते हैं। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योत या सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। तो प्यारे सुंदर साहब जी, वो नूर अपने अनंत गुणों के साथ धनी के मुखारविंद पे प्रकट होता है। तो वो प्रकट नूर है, लेकिन नूर वास्तव में राज्य का दिल ही नूर का सागर है, जिसके अंदर अनंत सागरों का रस लहराता रहता है। अब जरा सुंदर साथ बड़े प्यार से देखेंगे कि उन दिल के नूर का अनंत गुण है, और उन गुणों को हम चरणों में देख सकते हैं, क्योंकि दिल राज्य का उन चरण तली में हम देख पाते हैं, तली की नाक की लीकों को। तो उस नूर का जो गुण है, मुख्यतः सिर्फ मात्र समझने के लिए शब्दों में उसको एक गुण है जमाली और दूसरा गुण है जलाली। जमाली का जमाल के का वास्तविक अर्थ है सौंदर्य, और सौंदर्य के अंदर अनंत गुण खूबियां आती है। जैसे लहराता हुआ प्रेम, आनंद, आभा, कांति, चमक, छटा, शोभा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, कृपा, संगीत, ज्योति। माधुर्यता के साथ मधुरता भी
ये ऐसे आनंददायी गुण हैं जिसका सौंदर्य परमधाम के अंदर लक्षित होता है। परमधाम के 25 पक्षों में नूर अपने सौंदर्य के साथ शोभायमान होता है। ये सारे गुण मीठे होते हैं, इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होता। उस अनंत परम धाम में अनंत प्रेम की लहरें लहराती रहती हैं अपने अनंत नूर के साथ। इसलिए अक्षरातीत को हम नूर जमाल भी कहते हैं। नूर उनका दिल और जमाली का गुण के साथ जब वो प्रकट होता है तो वो नूर जमाल कहलाता है। अब उसी दिल का स्वरूप एक लीला दोय, उसी दिल का दूसरा गुण जलाल कहलाता है, जलाली कहलाता है। अब जलाली का मतलब होता है मैजेस्टी, पावर, रेट्रिब्यूशन, ट्रांसेंडेंस इत्यादि इत्यादि। इसके मतलब यह है कि सत्ता, जहां शक्ति का प्रदर्शन होता है, ऐश्वर्य, वैभव, इस तरीके के गुण जहां आपको कसौटी पे कसा जाता है, तपस्या करनी पड़ती है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, वो परमधाम के जैसे नहीं होता कि परमधाम में कुछ करने की जरूरत नहीं, हर आनंद हर प्रेम स्वतः ही हमारा रूप हो जाता है, हमें मिल जाता है। लेकिन जलाली का गुण ऐसा है कि जिसके अंदर उसकी महिमा, उसका वैभव पाने के लिए, ऐश्वर्य का पार्ट होने के लिए हमें बहुत कसौटी पे अपने आप को कसना पड़ता है। ये संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बिना कसौटी पे अपने आप को कसे हुए कुछ भी पा जाए। हमारे सभी सुंदर साथ ने महामती जी के द्वारा लालदास जी की बीतक पढ़ी सुनी, अपने दिल में बसाया है। श्यामा जी धनी देवचंद्र जी के तन में विराजमान हुई और वो उस तन ने और उसके अंदर विराजमान देवापी के जीव ने कितनी कठोर तपस्याएं और कसनी की कुछ पाने के लिए, वो आप सब जानते हैं। अभी उस चर्चा का संदर्भ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कुछ भी पाने के लिए उन्होंने कितना किया। मिहिर राज ठाकुर के तन जिसमें इंद्रावती की आत्मा, जिसमें श्यामा जी दूसरे हिजाब में आकर तारतम का विस्तार किया, आप सुंदर साथ देखें कि उनकी कसनी की तो ये पराकाष्ठा थी कि जब आह बिसु की अंग में श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग, मैं तो अपना दे रहे तुम ही राखियो जी, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पी, जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी व्रत भी राखो विरहिनी। मेरे प्यारे सुंदर साथ,
किसी और अवसर पे इन चौपाइयों का खुलासा। वैसे तो आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, आप सब जानते ही हैं, फिर भी इसकी बात कभी करेंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इसको इस संदर्भ में उद्घृत किया है कि आप और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्या वो मेहरराज ठाकुर का तन हो, क्या वो देवचंद्र जी का तन हो, क्या वो छत्रसाल जी का तन हो, क्या वो लालदास जी का तन हो, कोई भी बिना कसौटी के कुछ नहीं पाया। लालदास जी का लौकिक सारी संपदाएं समाप्त हो गई, तब जो उन्होंने पाया आप सबको विदित है। तो ये ब्रह्मांड ही ऐसा है जहां पर उद्यम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, कठोर परिस्थितियों के से हमें अपने आप को गुजारना पड़ता है एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वो है मैजेस्टी का गुण, वो है जलाली, है वो नूर की ही, राजी की ही, लेकिन उनके दिल का एक गुण है जलाली, इसलिए उसको कहते हैं नूर जलाल, यानी अक्षर ब्रह्म की क्रिएशन। अब अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप योग माया का ब्रह्मांड और उसमें अव्याकृत के मन का मन आदि नारायण, ये काल माया का ब्रह्मांड जहां से प्रकट होता है। एको हम बहुश्याम प्रजयोति, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं और अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। सो अब आप ये देखो सुंदर साथ कि इस ब्रह्मांड में हमारे लिए कितनी सारी गुत्थियां हैं। धामधनी ने अपनी मेहर से, इल्म के बल से यहां के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति देने का वायदा कर दिया। क्या रे देखी दुनिया जो इनको न करूं अखंड। लेकिन अब आप तो जानते इसमें 8 प्रकार का बहिष्ट बताए गए, 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री दूसरी पहली। अभी मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूं कि इन 8ों के भेद बताऊं, लेकिन ये अवश्य जान लीजिए कि ये कहा गया है कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो 8वें में, ऐसा ऐसा करोगे तो 7वें में, ऐसा ऐसा करोगे तो 6ठे में, 5वें में, 4थे में, 3रे में, 2रे में, पहले। तो यानी कि उद्यम करना पड़ेगा, अपने आप को गलाना पड़ेगा, और जिसकी जितनी श्रेणी होगी उसी को कहते हैं ट्रांसेंडेंस, उत्कर्ष कि मतलब जितना किया। जैसे एक उदाहरण के तौर पे जिन्होंने ब्रज लीला को अपने दिल में समा लिया और बाल मुकुंद के भक्ति में गल गए, उनके जीवों को 5वीं बहिष्ट जहां ब्रज लीला अखंड है मिलेगी। इस प्रकार से कौन कहां तक अपनी भक्ति के उससे, तपस्या के उससे, उद्यम से, ज्ञान से, प्रेम से, कौन क्या चीज पाएगा, ये अभी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वहां पे ये कंपार्टमेंट है, 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं ये दरबे, लेकिन परम धाम में कोई दरबा नहीं। परम धाम में हर चीज नूरी है, नूरमयी इश्क है, इश्क ही इश्क है, और सब इश्क की लहरें हैं, सब आनंद में गर्क हैं, सब वाहिदत का स्वरूप है।
परम था। तो वो जमाली का गुण और ये जलाली के गुण। तो कहते हैं गुण केते कहूं इन शरण के। अब जैसे एक गुण मैंने जलाली का आपको बताया था, रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन माने होता है पारितोषिक या सजा। अगर अच्छा करते हो तो आपको इनाम मिलता है, और अच्छा नहीं करते हो उसके अनुरूप जो चाहिए वो नहीं करते हो तो सजा भी मिलती है। लेकिन परमधाम में न इनाम है न सजा है। परमधाम में तो बस प्रेम है, प्रेम की लहरों के स्वरूप है। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरस, या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस परस। तो सुंदर साथ अति प्रेम से ध्यान कीजिए कि गुण केते कहूं इन चरण के आवे ना माहे सुमार। तो इन चरणों में जमाली और जलाली का गुण प्रकट होता है। तो जलाली का गुण अव्यक्त है और जमाली का गुण व्यक्त है, यानी परम धाम के अंदर जमाली ही जमाली, सौंदर्य ही सौंदर्य, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, एकत्व ही एकत्व। लेकिन योग माया और जहां से काल माया का वो एक अलग स्थिति बनती है, वहां जलाली। तो राजी ने परम धाम में आपको याद कीजिए, वहां समय का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यहां की भाषा में जब हम यहां के शब्दों में समझाते हैं तो अष्ट प्रहर की लीला बोलते हैं। तो अष्ट प्रहर 64 घड़ी, एक घड़ी 22.5 मिनट की कहते हैं। तो अभी आप अधिक समय पे ध्यान ना देना, बस ये समझो कि हर घड़ी हर पल हम धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं। लेकिन धनी के साथ आठों प्रहर की लीला में हम उनके तन के साथ लीला करते हैं। परम धाम में परातम राजी के सानिध्य में हर घड़ी हर पल रहती है, और परातम के तन और जुगल स्वरूप का तन आपस में प्रेम की लीलाएं करते हैं और आनंदित होते हैं और आनंद से भरते हैं। लेकिन परम धाम में एक चीज हमने नहीं देखा, वो राज्य का दिल नहीं देखा। तन तो देखा, दिल नहीं देखा। वो दिल दिखाने के वास्ते दिल के अंदर विराजमान अनंत गुणों को दिखाने के वास्ते या ही वास्ते खेल देखा ही। रूह देखसी देखन हार, ये वही रूहें देख सकती हैं जो इसके योग्य हैं। जमाली के गुण देखने के लिए आपको जमाली का अंग होना पड़ेगा, यानी निस्बत। धनी के दिल से जिसकी निस्बत है, अंकुर है, वो अंकुरियां ही सिर्फ उसको देख सकती है जमाली के गुणों को। यही वास्ते खेल देखाइया रूह देखसी देखन हार, देखने के योग्य जो होती हैं वही रूहें इसको देख सकती है। अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की इन चारों को यामे हो। तो सुहागिन जो नार है, अंकुरी है, निस्बतियां हैं, उनके ही योग्य ये जागनी का ब्रह्मांड भी है।
जिसके अंदर धामधनी अपना दिल खोल के दिखाते हैं, और जैसे ही वो खोलते हैं अपना दिल तारतम वाणी के प्रकाश में, तो सभी सुंदर साथ जिनमें धाम का अंकुर है वो वैसे ही खींचे चले जाते हैं उस दिल में, जैसे एक बड़ा चुंबक हो और बहुत सारे लोहे के वस्तुएं रखी हों और बीच में इन दोनों के बीच में एक लकड़ी का पर्दा है, तो लकड़ी के पर्दे के कारण ये लोहे के वस्तु उस चुंबक को देख नहीं पाते, उनकी आकर्षण शक्ति उनको खींचती नहीं है जब तक ये पर्दा बना है। जब ये पर्दा हटता है तब खुल गए अंतरपट, हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतरपट। वो पर्दा हटा तो सारे के सारे लोहे के वस्तु उस आकर्षण क्षेत्र में आकर चुंबक के से चिपक जाते हैं। वो है राज्य का दिल। तो राज्य ने अपने दिल को यहां खोल के रख दिया है, लेकिन जब तक हमारे हृदय के अंतरपट खुलते नहीं, माया के आवरण और विक्षेप शक्तियां हमें भ्रम में नहीं डाले रखती, जब तक तारतम ज्ञान के प्रकाश नहीं मिलता, तो हम वहां जा नहीं पाते। और तारतम ज्ञान का प्रकाश आते ही हमें अपना मूल मिल जाता है। हाँ, तारतम ज्ञान मिल जाने के बाद भी अगर हम नहीं सुधरे, जब लग भूली वतन तब लग नाही दोस्त, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस, तो ताए निर्फल गई जो रात। ये जागनी का ब्रह्मांड का जो फल है हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो ये है राजी के गुण। गुण केते कहूं इन चरण के आवे न माहे सुमार, उसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन अभी थोड़े शब्दों में आपको जमाली और जलाली के गुण का वर्णन हुआ। जो कोई अरवा अर्स की हक कदम तिन जीवन, सो जी जीवन बिना क्यों रहे जाके असल अर्स में तन। सुंदर साथ, यहां आत्माओं को इन नश्वर तनों पे बिठाकर माया का खेल देख तो रहे हैं हम परम धाम के ही अंदर, लेकिन जैसे कहते हैं और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया यो एक हुए हिल मिल, ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, परे आसिक मासूक की वाहे दत बिना आसिक ना कोई कादर। सो इस आदमी का दिल अर्श, तो ये मांस का लोथड़ा अर्श नहीं है, इसके अंदर विराजमान वो जो जीव है ना ही उसका दिल अर्श है, इसके ऊपर जो परम धाम की पर आत्म है उसके दिल के नैन की नजर, जिसको राजी ने अपने हुक्म का आधार दिया, वो हुक्म लेकर उस नजर को इस तन के ऊपर बैठकर यहां की लीलाओं को देख रही है। अब सुंदर साथ, आप तो जानते ही हैं हर बात कि राजी ने दिल में ये खेल लिया, हम रूहें राजी के चरणों में बैठी हैं, आंखें हमारी खुली हुई हैं, लेकिन अब
उन आंखों से मैं अपने धाम के धनी अक्षरातीत को नहीं देख पा रही। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओलखाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। अब हमारी हालत कठिन हाल है रूहों का, पर तुम बिरचो जिन। ये श्यामा जी के लिए राजी ने कहा है। कठिन हाल है रूहों का पर तुम बिरचो जिन, भूल गईया उन्हें सुध नहीं हांसी यही मोमिन। तो प्यारे सुंदर साथ, हमारे मूल तन राजी ने हमारे दिल के नैन की नजर को अपने दिल में होने लिए हुए खेल को दिल रूपी पर्दा पे बांध लिया। हम मेरी परातम परम धाम में राज्य के चरणों में ही बैठकर ये खेल देख रहे हैं। और ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वो देखत हमको ख्वाब में वो असल हमारे तन। तो जैसे यहां की जो लीला होती है, हके किया हुकम वतन में, सो उपजत अंग असल जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नकल। तो यहां और वहां में तारतम ज्ञान के प्रकाश में हमें ये समझना होगा कि पर आत्म के दिल के नैन की नजर उस खेल को देख रही है जहां धनी की भी नजर है। प्रतिबिंब के जो असल, यानी कि आत्मा के जो असल बिंब स्वरूप है पर आत्म, प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावर, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल देखा। तो रूहों को नजर में ले रखा है, खेल में भी राजी की नजर है। मैं छिपा हूं इनसे रूहे नजर मिले, वो देखत झूठा आलम मोको देखत नहीं। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसे। तो वो इश्क का जो स्थान है, चरण कमल हमने पकड़े और इश्क की लहरें हमारे दिल के अंदर प्रवाहित होने लगेंगी। लेकिन अगर चरण कमल हमारे दिल के अंदर आकर बसते हैं तो, क्योंकि ये चरण कमल ही इस आत्मा के आधार है। जो कोई अरबा अर्श की हक कदम तिन जीवन, जीवन मतलब हमारे प्राणों के आधार है, सो जीव जीवन बिना क्यों रहे। सो ये आत्मा अपने जीवन के आधार के बिना, यानी इन चरणों के बिना कैसे रह सकती है, जाके असल अर्श में तन। लग रहे हक कदम को सोई रू अर्श की। अब ये चरण कमल तो प्यारे परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को ही है। अभी हम सारे सुंदर साथ बैठ के चरणों की शोभा का बयान करेंगे तो इसका रस वही लेगा जिसका अंकुर होगा। किसी भी हमारे इस समुदाय में, समुदाय माने सुंदर साथ का समुदाय नहीं कह रहा हूं, समाज, हमारे नाते रिश्तेदार पड़ोसी आ जाते हैं और मैं राज्य की कृपा से राज्य की ये वाणी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करके पढ़ रहा हूं, तो जो सुंदर साथ है वो तो रस ले रहा है। लेकिन जो पड़ोसी आ जाएंगे उनको उकताहट होने लगेगी कि कब मैं यहां से निकल।
इसलिए क्योंकि ये चरण कमल प्रिय किसको हैं, जिनके हैं, इन चरण कमलों से जिसकी निस्बत है उन्हीं को प्रिय है। लग रहे हक कदम को सोई रूह अर्स की, ए रस अमृत अर्स का कोई और न सके पी। जमाली का जो रस है कोई और नहीं पी सकता, सिर्फ निस्बतियां वह दत्त के स्वरूप परम धाम की आत्माएं ही इसको पीने का अधिकार रखती। हके अर्स कया अपना जो अर्स दिल मोमिन, सो मोमिन उतरे अर्स से है असल निस्बत। राज जी ने उन आत्माओं के दिल को अर्श कह, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें, क्यों कर तो आदमी मानी ये तन नहीं जो उसके अंदर आत्मा विराजमान है, उसके दिल को अर्श कहा है। जो अर्श दिल मोमिन, सो मोमिन उतरे अर्श से है असल निस्बत तिन। ए जो मोमिन उतरे अर्श से, अर्श कहा दिल जिन, हर कदम हमेशा अर्श में, एक कदम छुपे नामों में। अब जहां अर्श है महाराज जी के चरण कमल है, और जहां चरण कमल है वहां मोमिनों का दिल है। हके तो कया अर्श दिल को जो इनो असल अर्श में तन। राजी फरमाते हैं कि जो हमारे मूल तन है उनका दिल अर्श है, और उनका दिल अर्श है तो आत्माओं का दिल भी अर्श है। राजी फरमाते हैं अर्श तन दिल में ए दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अर्श तन खेचे ही तब क्यों रहे अंतर माहे। परातम का दिल के अंदर ही आत्मा का दिल विराजमान है। सो अगर परातम का दिल अर्श है तो आत्मा का दिल भी अर्श है, और वही दिल अब इस माया के खेल को देख रही है और तारतम ज्ञान अर्जित कर उसको ग्रहण कर धाम धनी के जमाली के गुणों में अपने आप को झील रही। सुंदर सात, सोई कहिए मोमिन जिन दिल हक अर्स, सोना मोमिन जिन ना पिया हक सुराही का रस। हक सुराही माने राजी के दिल। तो इस ब्रह्मांड में अब हक सुराही का रस कैसे पिया जाए। सुंदर सा बहुत प्यार से श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ साक्षात अक्षरातीत के आवेश स्वरूप हम सभी सुंदर सात यानी ब्रह्म सृष्टियां परम धाम की जुगल स्वरूप और परम धाम। परम धाम में जुगल स्वरूप अपने हकीकत के स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां बदत के स्वरूप और परम धाम राज्य के दिल में बसते हैं, और राज्य का दिल परातम के दिल में बसता है। और ऐसे सुंदर स्वरूप को मैं अपने नैनों के बीच रखती हूं, सिर पर इन चरण कमलों को रखती और हेड़े पर रखती हूं। ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर हम सुंदर साथ अपने जीवन को के लक्ष्य को हासिल करें। प्रणाम सुंदर साथ जी।